अस्सलामुअलैकुम। चले जी, आज हमारा कल हमने आपसे नाइट की वीडियो शेयर की थी, यानी कि फर्स्ट डे के नाइट की मेन्यू डिनर की वीडियो शेयर की थी, और अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं आज फुल डे, फर्स्ट सेकंड डे फुल डे की हमारी जो है ना 20 डेज जो हमने नो कार्ब चैलेंज रखा है उसकी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। ये हमारा ऑमलेट, मैंने चिकन चीज़ ऑमलेट तैयार किया था और इसकी वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि हाँ टाइमिंग्स पड़े कुछ होते हैं और वो आप उस टाइम अक्सर बिजी भी होते हो, तो मैंने कहा बस मेरा पर्पज़ ये है कि मैं कंप्लीट फुल डे का मेन्यू आपसे शेयर करूं। तो सिंपल हमने एग्स लिए, एग्स को हमने फेंट लिया और ये 4 अंडों का मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने सिंपल दूध डाल लिया 4 अंडों के ऑमलेट में, और उसमें रात का चिकन बचा हुआ था, ऑलिव्स, चीज़, टोमेटोस। अच्छा, इसमें ना जब भी हम इस तरह का चीज़ ऑमलेट या कुछ बनाते हैं तो लाजमी इसमें दूध, अंडों को जब फेंटा करें तो उसमें लाजमी दूध डाला करें, तो उससे ये होता है कि अंडा हमारा हार्ड नहीं हो जाता, क्योंकि हमें इसे कुक ज़्यादा करना होता है, हमें चीज़ वगैरह हम ऐड करते हैं उसको मेल्ट करने के लिए हम यूँ कवर, तो वो जो है ना वो उससे सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। अच्छा, ये सेकेंड थिंग ये मैं अपनी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे शॉर्ट्स में रखी हुई है ये काले चनों के सूप की रेसिपी। समझ नहीं आती, कुछ नया भी देना होता है और कुछ यूनिक सा करना होता है, और ये फिर अब मैं साथ साथ जो भी मुझे मेरे पास अवेलेबल चीज़ें होती हैं मैं उनके साथ, मेरे साथ काले चने चावल घर के लिए बनाए थे, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड को एक्चुअली वो काले चने पसंद है लेकिन इतने नहीं, उनको सूपी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो वो फिर मैंने कहा कि इसका क्या किया जा सकता है, तो मैंने रिसेंटली अपने ऐसे रैंडम वीडियोज़ में देखा था सूप, तो वो काले चनों का, लेकिन वो तो डिफरेंट वे में बना हुआ था, ये मैंने देसी स्टाइल में बनाया था, तो इसकी पूरी कंप्लीट रेसिपी जो है वो मेरे शॉर्ट्स में रखी हुई है। अच्छा, ये हमारा काले चनों का सूप होने के बाद जो है ना शाम में वो घर आ गए थे, तो उनको मैंने ये सर्व किया, मुझे कुछ ना कम लग रहा था, तो फिर मैंने उसके साथ ही जो है ना ये सैलड बना लिया था। सैलड में हमने सेब, केला और अंगूर मेरे पास रखे हुए थे, जो चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल उसमें करने ज़्यादा वो नहीं, तो मैंने इन चीज़ों को काट लिया था। तो मेरी जो मेड थी ना वो मुझे कह रही थी कि भाभी ये कौन दिखाता है, ये तो सब लोग बनाते ही हैं, तो मैंने कहा हाँ ज़रा ये ना चीज़ें कटते हुए ऐसे मतलब प्यारा सा एक वाइब देती हैं, तो बहरहाल ये हमने इसमें अंगूर भी ऐड कर लिया। इतनी खुशी मुझे हुई थी कि अंगूर मुझे कहे बगैर ही उसने जो है ना वो उतार के दे दिए थे, मैं उसमें अंगूर ऐड कर रही हूँ। मुझे बाद में लगा कि यार अच्छा, मैंने जब ये इस तरह से सैलड बना के रख दिया तो मुझे वो ज़रा ना वो पर जैसे फ्रूट पड़ा रह के वो काला होने के फॉर्म में आ जाता ना, क्योंकि मैंने शुगर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, तो मुझे लगा कि यार ये अभी उनके आने में टाइम था, तो फिर मैंने इसमें जो है ना मुझे एक सडन आइडिया और मैंने क्या किया कि इसमें योगर्ट डाल दिया, तो ये योगर्ट वाली फ्रूट चाट हो गई थी। मुझे वैसे दही वाली फ्रूट चाट इस तरह से बहुत पसंद है, मैं पहले भी बनाती रहती हूँ लेकिन हर एक का वो टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं ज़रा इसमें आप सफ़ेद चने भी ऐड कर सकते हैं, आलू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिंपल इसमें नमक काली मिर्च डाल के ये हमारी दही वाली चाट। ये अब जो मैंने अंडा आपको बताया वो मैंने उनको ब्रेकफास्ट में दिया था, यानी कि 11-12 बजे के करीब उन्होंने किया था, फिर बीच में ऑन एंड ऑफ एप्पल खा लिया उन्होंने, खजूरें ले ली। अब इस तरह से मैं कंप्लीट इतना इच्छी बिची तो नहीं बता सकती, पर मेन कोर्स मैंने बता दिए, और लास्ट में जब हम रात में फ्री था, वीकेंड था, तो फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा आया था और उनके लिए मैंने कहा नहीं अब आपकी भी कोई चीट होनी चाहिए, तो फिर मैंने टिक्का मंगवा लिया था, तो दो टिक्के उन्होंने फड़का दिए थे।